नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास में है इन्फिनिक्स का 08i। इस फोन को इंडिया में कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और इसमें दिया गया है मीडियाटेक का G90T चिपसेट जो खास करके गेमिंग के लिए है, तो क्यों ना हम एक गेमिंग टेस्ट कर ही लें। इसके साथ में ही कंपनी ने इसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया है, तो हम जो है इस फोन की जो है वो चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे। 10 मिनट का चार्जिंग करेंगे और देखेंगे कि बैटरी जो है वो कितना चार्ज होता है। इसके अलावा 30 मिनट गेमिंग खेलेंगे और 30 मिनट में हम जानेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितनी हीटिंग हुई और कितना जो है वो बैटरी ड्रेन हुआ। बेंचमार्क स्कोर भी मैं आपको इस जो है वो गेमिंग टेस्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेमिंग टेस्ट की। तो हमने फ़ोन को जो है वो चार्जिंग पे लगा दिया है और अब हमने स्विच को भी ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि यह जो है वो 61% चार्ज है और हम इसको जो है टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। टाइमर को जो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब देखेंगे कि यह जो फोन है वो 10 मिनट में कितना चार्ज हो पाता है। तो देख सकते हैं कि 10 मिनट की चार्जिंग जो है वो होने ही वाली है। हमने लगाया था जब उस समय 61% का जो है यह फ़ोन चार्ज हुआ था और 10 मिनट बाद, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद हम देखेंगे यह फ़ोन जो है वो कितना परसेंट चार्ज हुआ है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग है तो 10 मिनट में हमने इसको स्टॉप कर दिया है। देख सकते हैं कि 10 मिनट 1 सेकंड में स्टॉप हो गया है और मैंने इसको जो है वो निकाल दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 मिनट में 10% का चार्ज हो गया है। एक जरा इसको भी ऐसे भी देख दूँ स्क्रीन पे, बड़े से आपको बड़े तौर पे दिख जाए। आप देख सकते हैं कि 71% यानी कि 10 मिनट में जो है यह जो फ़ोन है वो 10 मिनट में यह जो फ़ोन है वो 10% का चार्ज हुआ है, यानी कि लगभग एक घंटे में, यानी कि एक घंटे में यह फ़ोन जो है लगभग एक घंटे, हो सकता है कि एक घंटा 5 मिनट ज़्यादा या 5 मिनट कम, क्योंकि लास्ट में आप देखते हैं कि जब बैटरी जो है वो 100 पे आती है तो थोड़ा समय फुल होने में लगता है। तो लगभग एक घंटे के आसपास में यह फ़ोन जो है वो फुल जो है वो चार्ज हो जाएगा, पूरी तरीके से जो है वो फोन चार्ज हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसकी गेमिंग टेस्ट और देखते हैं कि गेमिंग में इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो इंस्टॉल हो गया है और अब हम खेलने के लिए रेडी है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको जो है वो बेंच मार्क स्कोर जो है दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंटूटू देख लिया जाए। एंटूटू पे यह फोन जो है वो 291,302 स्कोर करने में सक्षम रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा 15,000 के बजट वाले फ़ोन में। वहीं जब हम आते हैं GFX बेंच पे, तो आप देख सकते हैं कि GFX बेंच पे तो मैं आपको बता दूं कि GFX बेंच पे मैनहट्टन पे यह फ़ोन जो है वो 2597 और टेरेक्स जो अक्सर हम दिखाते हैं आपको उस पर 3819 तक का जो है स्कोर किया। ग्राफिक्स के लिए ये स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छे कहे जाएंगे। वहीं जब हम बात करते हैं गीक बेंच की, गीक बेंच पे सिंगल कोर पे यह फ़ोन 519 और जो है वो मल्टी कोर पे 1680 जो है वो स्कोर कर पाया। तो चलिए, आपने बेंचमार्क स्कोर देख लिया, आपने बैटरी टेस्ट देख लिया कि 10 मिनट में लगभग 10 मिनट का बैटरी टेस्ट जो है वो बैटरी जो है वो इंक्रीज करता है, चार्ज करता है। तो अब हम जो है शुरुआत कर देते हैं इसके जो है वो गेमिंग टेस्ट की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह जो फ़ोन है वो लगभग 100% का चार्ज है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं बैटरी लॉग ऐप को जो है वो ऑन कर दूँ, बैटरी लॉग ऑफ ऐप में आपको टेम्परेचर दिखा दूँ कि फ़ोन का टेम्परेचर जो है वो कितना है और बैटरी का परसेंटेज भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि 27.2 डिग्री का टेम्परेचर है और 100% बैटरी है। जी हाँ, 100% बैटरी के साथ हम इस पे जो है वो खेलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ इसका ज़रा। चलिए, तो शुरुआत हो चुकी है, अब हम बारी है, सारे ऐप्स को किल कर देते हैं और बारी है अब गेमिंग की। तो चलिए गेमिंग की शुरुआत जो है हम कर देते हैं और हमने गेमिंग की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का शुरुआत जो है हो गया है। ग्राफिक्स पे एक नज़र ज़रा हम डाल लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई और वेरी हाई का भी ऑप्शन है, लो मीडियम के अलावा हाई और वेरी हाई का भी ऑप्शन है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। और फ्रेम रेट भी जो है वो वेरी हाई पे और मैक्स पे आप कर सकते हैं। तो हमने जो है वो स्टैंडर्ड पे ही रखा है और इसको जो है शुरुआत करते हैं गेमिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 और स्टार्ट। हमारा टाइमर भी जो है उधर शुरू हो चुका है। तो अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ कि जो है अनुभव जो है गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो लगभग ठीक ठाक ही है।
मैं बहुत अमेजिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हल्के फुल्के कुछ लैग्स हमें देखने को मिले, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। मिड सेगमेंट का फ़ोन है इसलिए जो है वो ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। तो चलिए अभी तो काफ़ी समय बाकी, अभी तो हमने लगभग पाँच मिनट का ही गेमिंग खेला इसमें, अभी और 25 मिनट की गेमिंग बाकी है, उसके बाद जो है रिजल्ट मालूम चलेगा। अगर बीच में हम देखते हैं कि अगर ये फ़ोन हिट होता है बहुत ज़्यादा तो लैग्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए तब तक हम खेलते रहते हैं और आपके सामने कैमरे पे वो सारा जो है इन्फॉर्मेशन आता ही रहेगा। लगभग 15 मिनट से ज़्यादा की गेमिंग हमने कर ली है और लैग की समस्या जो है हमें अब तक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। हाँ, थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स हैं लेकिन चलेगा। और रही बात हीटिंग की, तो अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। अभी भी जो है वो 12 मिनट का समय लगभग बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं 30 मिनट के बाद कैसा रहता है इस फ़ोन का जो है अनुभव। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 30 मिनट का समय जो है पूरा होने ही वाला है। हम आपको पूरा एक्सपीरियंस जो है आपको इसमें बताएंगे और 58, 59 और यह 60 हमारा 30 मिनट का जो है वो गेमिंग टाइम पूरा हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अब तक का गेमिंग एक्सपीरियंस रहा है वो एवरेज रहा है, ठीक ठाक रहा। 15-20 मिनट ये काफ़ी अच्छा चला, उसमें फ्रेम जो है ड्रॉप्स थे थोड़े, लेकिन जैसे ये 30 मिनट के करीब आया तो आपको थोड़ा सा लैग जो है देखने को मिला। यानी कि अगर आप इसमें 30 मिनट से ज़्यादा की गेमिंग करते हैं, लगातार गेमिंग करते हैं, तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स जो है वो देखने को मिलेंगे। वहीं जहाँ तक हीटिंग की बात है तो आप देख सकते हैं कि अब हीटिंग जो है वो 42.5% हो गया है और जो बैटरी 100% था वो आधे घंटे की जो है गेमिंग है उसमें 9% की लगभग की बैटरी ड्रेन है। तो मैं आपको एक पुरानी स्क्रीनशॉट से एक बार कंपैरिजन साथ में साथ दिखाता हूँ। आप चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा, हमने शुरुआत किया था 27 डिग्री टेम्परेचर से शुरू किया था और 100% था। आधे घंटे की गेमिंग में लगभग 15% का जो है वो हीटिंग इंक्रीज़ हुआ है। ये 27 से लगभग 42% तक आ गया है, ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है टेम्परेचर और जो है हीटिंग का। और जो गेमिंग की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, तो 9% का ड्रॉप जो है वो 4500 mAh की बैटरी है, 9% का ड्रॉप जो है वो ठीक ठाक का ड्रॉप कहा जाएगा, कम नहीं कहा जाएगा। अगर 5 से 6% का भी रहता तो हम अच्छा कहते, लेकिन 9% का ड्रॉप जो है थोड़ा एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हालांकि 15,000 का बजट है, ऐसे हम कह सकते हैं कि यह जो फ़ोन है ठीक ठाक है, लुक अच्छा है और परफॉर्मेंस वाइज भी गेमिंग के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसका जो बड़ा स्क्रीन है आपको एक अच्छा अनुभव देगा, आधे घंटे तक के लिए ये सफिशिएंट है।